जिरोफा आर्चर ने बताया क्यों वेस्टइंडीज को छोड़ इंग्लैंड से खेलने का किया फैसला। नमस्कार, इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किए अभी तो केवल गिनती के महीने हुए हैं कि ये युवा तेज गेंदबाज जिरोफा आर्चर इन दिनों हर किसी के चहेते बन गए हैं। जिरोफा आर्चर को इंग्लैंड क्रिकेट टीम में एंड्रयू बिशप कप से ठीक पहले मिली, जिसके बाद उन्होंने केवल 3 और 4 महीनों में ऐसा प्रस्ताव डाला कि वो इंग्लैंड क्रिकेट के लोकप्रिय चेहरों में शुमार हो गए और अब इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाली जा सीरीज के तीसरे मुकाबले में अपनी गेंदबाजी से इंग्लैंड को मैच भी जिता दिया है। कैरेवाय मूल के इंग्लिश तेज गेंदबाज जिरोफा आर्चर के बारे में कुछ समय पहले तक तो किसी ने नहीं सोचा था कि उन्हें इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम में जगह मिलेगी, लेकिन आर्चर ने न केवल इंग्लिश टीम में एंट्री की बल्कि धमाकेदार आगाज कर हर किसी को हैरान कर दिया है। विश्व कप में इंग्लैंड की जीत के सबसे बड़े सूत्रधार रहे जिरोफा आर्चर को एशियज जैसे हाई प्रोफाइल सीरीज में मौका मिला और उन्होंने इस मौके को ऐसा भुनाया है कि इंग्लिश गेंदबाजी ब्रिगेड की गैर मौजूदगी में भी बड़ा खतरनाक नजर आ रहा है। इंग्लैंड की टीम में आकर खेलने तक का सफर कोई आसान नहीं था, इसके लिए उनको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उनको कई दौरे में जाने का मौका नहीं दिया गया। 2014 विश्व कप में उनका बहिष्कार किया गया। इस फैसले ने ही उनको अपने करियर को अलग मुकाम पर ले जाने के लिए मजबूर किया था। बारबाडोस में मौका मिलना वास्तव में कठिन है क्योंकि यहां जल्दी दूसरी टीम को नहीं चुना जाता है। अंडर 19 से आपको सिर्फ सीनियर टीम से प्रयास करने का मौका दिया जाता है। इस 2015 में उसे अपने सपने को आगे बढ़ाने के लिए इंग्लैंड जाने का निर्णय लिया, लेकिन पहले वह अपने पुराने पात्रता नियम के तहत 7 साल तक इंग्लैंड के लिए नहीं खेल पाए। हालांकि उस आवश्यकता में बदलाव का मतलब था कि उसे इंग्लैंड के लिए खेलने में केवल 3 साल लगेंगे। आर्चर ने इस साल की शुरुआत में पर्दापण किया और तब से उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं, लाइक और शेयर जरूर कीजिए और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।